सो हाय दोस्तों, तो आज हम आए हैं नासिक, जहाँ रुके हुए हम तपोवन होटल में, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया है, कॉटेज की तरह। और नासिक में हम घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो चलो देखते हैं। रूम को कर देते हैं लॉक। चलो हो गया। ये हमारी बाइक बाहर ही पार्क हुई है रूम के जस्ट। चलो बैग पैक हो गई, अब निकलते हैं यहाँ से सीधा सूला वाइनयार्ड की तरफ, फिर बनाएंगे वहाँ एक बेहतरीन सा ब्लॉग सूला वाइनयार्ड के साथ, खास आपके लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से कोई वीडियो भी नहीं आया चैनल पे, तो चलो एक नई जगह। अभी हम रुके हैं साधना मिसल में, एक साधना होटल है जहाँ मिसल काफ़ी फेमस है, मिसल पाव, जहाँ के पाव काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी अच्छा है। यहाँ लोकेशन भी अच्छी है, लोकेशन बहुत सुपर था। बस यहाँ से नज़दीक हमारा वाइनयार्ड है, वही जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, लगता है खुल गया है, तो चलो निकलते हैं। चलो वाइन यार्ड तो पहुंच गए, अभी एंट्री करते हैं। वीकडेज में 600 रुपये है और वीकेंड में 1000 रुपये, तो ये रहा एंट्री काउंटर, टिकट लेते हैं। कितने आपके ऑर्डर? 2 पर पर्सन 1000, ये मिलता आपको अंदर ही होता लगेगा। टर्म एंड कंडीशन कुछ ₹10 के तमाशा ना करिए। तो चलो चलते हैं वाइन यार्ड की यहाँ, और ये रहा इसका ब्यूटीफुल सा एंट्रेंस। चलो अंदर एंट्री तो हो गई है, बस पहले ही जगह काफी भीड़ है फोटो खिंचाने के लिए। भीड़ नहीं है, बस वेटिंग है, वेटिंग है। फोटो तो खिंचवा के जाएंगे, वैसे आज वीकेंड है इसलिए काफी महंगा है, नहीं तो वीकडेज में सस्ता होता है 600 रुपये और वीकेंड में 1000 रुपये। और फायदा यह है कि उसी पैसों से आप कुछ खरीद सकते हो, जिस पैसों से आपने टिकट खरीदा है, अंदर जाके वही यूटिलाइज हो जाएगा, ये भी एक फायदा है, तो आओ खर्च करो।
यहाँ कुछ बड़ी बड़ी बॉटल्स है सूला की ब्रांडिंग के साथ। देख लेते हैं किस चीज से बनी है। माल है आज। ये चलो कहाँ चलना है। तो आज कितना माल है। बहुत सारा गाड़ी भर के। चलो बाहर चलो आगे बढ़ते हैं। ये है फैसिलिटी आगे। पहले वाली पुरानी अब नहीं है, पुरानी हो गई। ये क्या है? लेबलिंग मशीन। ये है बॉटल को लेबल लगाने वाली मशीन। यार कैफे है पर शायद बंद है, पता नहीं कब खुलेगा। और ये बाटलों का महल, बाटला भाई। क्रिसमस ट्री की तरह सजा के रखा है। यहाँ से एक बॉटल मिसिंग है। ये शॉप ग्लास सूला का लोगो। चलो अंदर चलते हैं वाइन टेस्ट यार्ड की ओर। यार्ड तो नहीं बट शॉप की ओर। ये है इसका टाइमिंग, द टेस्टिंग रूम, टेस्टिंग द बॉटल शॉप, द गिफ्ट शॉप, चलो रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये
थे कुछ मेमोरीज सुला भाई के साथ लोगों की। चलो एंटर करते हैं। ये है ब्यूटीफुल सा वाइन शॉप, हर तरह की वाइन यहाँ उपलब्ध है, ओनली सुला। काफी मस्त सा सजा के रखा है। फूड एंड टेस्टिंग का रजिस्ट्रेशन डेट सही, टूर का 200 रुपये और टूर एंड टेस्टिंग का 600 रुपये। सही है, जिसे टेस्ट करना है वो 600 रुपये देगा, जिसे सिर्फ टूर करना है वो 200। तो चलो वाइन टेस्ट करने। यह है सुला का गिफ्ट शॉप, दोस्तों यारों के लिए गिफ्ट लेना है तो चलो। तो ये है सुला वाइन यार्ड का एक होटल जो कि छत पे बना है, काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ से। सही है, सही है। वाइन पीना तो नहीं है बट टेस्ट करने जाना है। कुछ खरीदना है, पीने वाला तो है जो कि वाइन टेस्ट करेगा, उसके ही रिव्यू लेंगे कि वाइन कैसी है। वैसे एक दो बॉटल तो लेके चलेंगे दोस्तों के लिए, वो तो लेना ही पड़ेगा। अभी तक तो काफ़ी ठीक है, देखते हैं और आगे। 12 बजे वाइन टेस्टिंग का टूर है, शायद लेके जाएंगे, और 40 मिनट बाकी है उसके लिए। देखते हैं कुछ खाते हैं। ब्लैक भी अच्छा है, काला चश्मा जचता है बट ये अपना नहीं, अपना तो ये है।
जाने के लिए देख रही है बीबी नहीं सॉरी बस सुला की वाइंस सुला की वाइंस में आपका स्वागत है पुराने जमाने में इसी तरह से पैरों से कुचल कुचल कर वाइन बनाया जाता था शायद अभी भी ये तरीका होता है। चलो वाइन टेस्टिंग की ओर चलते हैं। काफी अंधेरा यार। चलो वाइन यहाँ की ओर लगता है यहाँ तो लेक्चर होने वाला है। चलो वाइन टेस्टिंग फैसिलिटी की ओर अभी मोहित तो खत्म हो गई। इधर से पीने वाले और नहीं पीने वाले के रूट अलग अलग हो जाते हैं ठीक है। बस वाइन टेस्ट करने वाले इधर ना पीने वाले बाहर। दो हॉट चॉकलेट बनाती है। एक फ्लैट वाइट एक हॉट चॉकलेट एक फ्लैट। वाइन शॉप में वाइन तो नहीं पी पाया बट कॉफी जरूर ट्राई करेंगे। हॉट चॉकलेट देखते हैं कैसा टेस्ट है। वाइन से तो अच्छा ही होगा अपनी अपनी सोच। चॉकलेट कॉफी आ गई अपनी। ये है मेरी चॉकलेट कॉफी और ये फ्लैट वाइट। सही है यार इससे तो चॉकलेट जैसा ही टेस्ट आ रहा है इससे पता नहीं। ये तो पीने के बाद ही पता चलेगा। वाइन कैसा रहा? वाइन बताइए। हम तो वाइन नहीं पी पाए। हर वाइन का अलग अलग टेस्ट था अलग अलग स्पेशलिटी थी उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। टिकट के 800 रुपये बाकी है उससे हम वाइन खरीद लेंगे बाकी तो उड़ा दिए कॉफ़ी में और एंट्री में। अभी बस 800 बाकी है उससे हम देखते हैं 800 में कितनी वाइन आएगी उतनी ले लेंगे। खरीद लिए सेवनियन ब्लैंक। चलो उससे लिया रुपए खत्म हो गए और एक वाइन की बोतल भी आ गई। अब चलते हैं सीधा कहीं और देखते हैं और क्या क्या है आसपास। सो ओवरऑल सुला वाइन यार्ड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वाइन पीने वालों के लिए तो बेस्ट है। हमने तो काफ़ी मज़े किए बस और मेरे हिस्से में कॉफ़ी मिली। मेरे हिस्से में वाइन और कॉफ़ी सही है तो आप भी आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइन पीना हो या नहीं
वीकेंड्स में महंगा होता है, तकरीबन 1000 रुपये पर हेड है, और वीकडेज में 600 रुपये। और वही पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं आगे एक पार्क में पीने में। चलो जाके देखते हैं, बाइक के मजे तो ले लिए, अभी निकलते हैं डैम की ओर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर विजिटिंग, कम बैक सून। हम तो अटेंड नहीं कर पाए, बट आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि 16 फेस्ट अगले महीने मतलब फरवरी में ही है, फर्स्ट वीकेंड, बस आ जाओ फरवरी में फ्राइडे नाइट से ही, मजे करो और इंजॉय 16 वाइन आर्ट।